तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो मीनाक्षी लेखी जी और सतीश उपाध्याय जी से यही चाहेंगे कि हमें 2020 से परमानेंट माना गया है, तो हमें हमारे लेटर दिए जाए और ये जितने लोगों की मांगे, हमारे 4,500 लोगों की मांगे, जो उनको पूरा किया जाए। यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और गृह मंत्रालय जी से कि हमारे RMR को परमानेंट करवाए, यही आग्रह कर रहे हैं। उनका सबका मनोबल टूट गया है ना, ड्यूटी पे जा रहे हैं, वो क्या करें, सब बेचारे परेशान हो गए। 6 महीने से कोई रिक्वायरमेंट सुनी नहीं जा रही है, बंदा परेशान हो गया। 12,000 में पीछे इन्होंने तनख्वाह कटवाई है, तो 12,000 में जब किसी का घर ही नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चलता आपको पता है इतनी महंगाई के ज़माने में, तो फिर उसमें तनख्वाह भी कटवा दी। बेचारे कितने तो किराए पर रहते हैं, घर बेघर हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो क्या करें, फिर मजबूरी है उन्हें जाना पर। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं CP में, CP के NDMC ऑफिस के गेट नंबर 1 पर, जहां पर NDMC के कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और ये आए दिन यहां पर धरने पे बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, कभी जंतर मंतर पे, कभी गेट पे। तो आइए जानते हैं कि आज ये लोग जो धरने पे बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं। लेकिन आज हमें अपना ज्ञापन सौंपना है चेयरमैन साहब को, उसी के लिए हम आज यहाँ 1 नंबर गेट पे हमने पुलिस प्रशासन की सहायता से अपना ये प्रदर्शन यहाँ वैसे लेंथ समय में 1 से 2 के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से करने का निर्णय लिया था। आप देख सकते हैं कि 23/5 का आज का हमारा प्रदर्शन यहाँ पे गेट नंबर 1 पे है और फिर हमारा लगातार कंटिन्यू जैसे चलता है, जंतर मंतर पे चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ था मैम, ये कंटिन्यू चल रहा है। यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और गृह मंत्रालय जी से कि हमारे RMR को परमानेंट करवाए, यही आग्रह कर रहे हैं। नहीं मैडम, अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो मीनाक्षी लेखी जी और सतीश उपाध्याय जी से यही चाहेंगे कि हमें 2020 से परमानेंट माना गया है, तो हमें हमारे लेटर दिए जाए और ये जितने लोगों की मांगे, हमारे 4,500 लोगों की मांगे, जो उनको पूरा किया जाए। मौखिक में बोल दिया गया है कि आप परमानेंट है, लिखित में देनी है। इसमें भी है मैडम, पहले 2020 में हमें परमानेंट दिया गया था, वहाँ पर हमारी वीडियो सारा कुछ आएगा। हमें यूनियन वाले लोगों ने ही लेटर वेटर दिखाए, हमारे ऑर्डर दिखाए हैं कि तुम्हारे ऑर्डर 2020 से यस कर दिया गया है, तो हम तो ऑर्डरों के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हम तो हाथ जोड़ कर मीनाक्षी लेखी जी से भी और सतीश उपाध्याय जी से भी और हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे भी अभिनंदन करते हैं कि हमारे ये जो 4,500 लोग हैं इनको परमानेंट किया जाए। तो 6 महीने हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आगे कब तक होगी? मैम देखिए, उम्मीद और आश्वासन तो पूरा है और प्रशासन ने, डिपार्टमेंट ने चाहा तो भगवान ने चाहा जल्दी हमारी सुनवाई होने की उम्मीद है और शायद 25 तारीख की जो सुनने मारा है काउंसिलिंग मीटिंग भी है, तो हो सकता है ये हमारा मेंबर साहब, चेयरमैन साहब मिलकर साथ हमारा एजेंडा लगा के हमारे जल्द से जल्द ऑर्डर करा दे, तो बहुत अच्छी बात है। वो अब उनका सबका मनोबल टूट गया है ना, ड्यूटी पे जा रहे हैं, वो क्या करें, सब बेचारे परेशान हो गए। 6 महीने से कोई रिक्वायरमेंट सुनी नहीं जा रही है, बंदा परेशान हो गया। 12,000 में पीछे इन्होंने तनख्वाह कटवाई है, तो 12,000 में जब किसी का घर ही नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चलता आपको पता है इतनी महंगाई के ज़माने में, तो फिर उसमें तनख्वाह भी कटवा दी। बेचारे कितने तो किराए पर रहते हैं, घर बेघर हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो क्या करें, फिर मजबूरी है उन्हें जाना पर। हरेसमेंट किया जा रहा है, उनको ऑर्डर नए इशू करे जा रहे हैं, ये करो, 4 हाजिरी कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ। तो आपका साहस नहीं टूटेगा कि 6 महीने हो गए हैं अब तक नहीं सुनवाई हुई? मैडम साहस तो टूटा पड़ा है, बट क्या करें, कि सोच रहे हैं कि भगवान कभी ना कभी तो सुनेगा, उसी कामयाबी पे लगे पड़े हैं। तो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता वगैरह से अपील नहीं की आके हमें सपोर्ट करें? सारे पॉलिटिक्स पार्टी से बात भी करी, अपील भी करी है, सारी बात मान ली है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, क्या करें। इसीलिए हम जगाने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन 5-6 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि प्रशासन ढीला है, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है? बिल्कुल, वो तो है ही कि देखिए, अगर 5 महीने से इस तरह के मजदूर हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, अगर प्रशासन थोड़ा सचेत होता, जागरूक होता, तो शायद हमें ये नौबत नहीं होती कि आज हमारी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं NDMC के आज ये रोड पर आते हैं। हम क्या करते, पहले तो हमने तनख्वाह कटवाई थी, हम लोगों की सबकी तनख्वाह कटी हुई थी, लेकिन अब क्या है कि हम थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटे लंच टाइम यहाँ पे धरना करते हैं। आप यहाँ धरना करने आते हैं लंच टाइम छोड़ के, तो उनका काम रुकता नहीं होगा, जिस वजह से वो आगे चल के सुनवाई करें, हमारा काम रुक रहा है? नहीं, लंच टाइम तो सभी को होता है कि लंच टाइम के अलावा, आप बता रहे हैं पहले लंच टाइम के अलावा आप काम करते थे, तो उस टाइम उनका काम रुक जाता होगा? जाता था, फिर इन्होंने क्या करा, हमारा धरना खत्म करवाने की कोशिश करी और वो उस कामयाबी पहुँच गए।
पहुंच गए, उन्होंने ख़त्म भी करवा दिया जब हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और कम से कम 2,500 बंदे आने लगे थे। फिर इन्होंने 6 महीने हो गए हमें लोगों को लगातार यहाँ पे धरना करते हुए, अंदर बैठते थे पर अंदर से यहाँ पे आ गए। 40 लोग हैं यहाँ पे जिनकी पक्की नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो इतने लोग नहीं मौजूद हैं, तो आपने इन तीनों से और ऊपर अपनी मांगे नहीं रखी? नहीं मैडम, हमारी तो एक ही मांग है, हमें आरएमआर को परमानेंट करने की। आपने सरकार तक ये बात नहीं पहुँचाने की कोशिश की? मैं हमारी सरकार से क्या, हमारी तो सरकार यही है मीनाक्षी लेखी जी और सतीश उपाध्याय जी। तो अगर ये नहीं सुनवाई करते हैं तो आपको आगे तक जाना चाहिए अपनी मांगे लेके? आगे नहीं जाना, हम इन्हीं के ऊपर है, हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये हमारी बातें सुनेंगी। तो 6 महीने से क्यों नहीं सुनी इन्होंने अभी तक बातें? मैडम सुनने वाली बात हो रही है, हमें भी मालूम है कि प्रशासन में बातें हो रही हैं और हमारा काम जल्द से जल्द होगा। तो 6 महीने में आपका अभी तक काम नहीं हुआ, तो आपको कैसे लगता है कि आगे चल के आपका काम हो जाएगा? मैडम उम्मीद पे बैठे हैं, हमें उम्मीद है अपने प्रशासन से और अपने अधिकारियों से कि हमारा काम होगा।